दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। यदि आप जॉब की तलाश में हैं और आपको जॉब नहीं मिल पा रही है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स, शॉर्ट टर्म मीन्स जो कम अवधि में कोर्स किया जाता है, जैसे कि एक महीने में या दो महीने में या छः महीने में, तो इस टाइप का कोर्स को शॉर्ट टर्म कोर्स कहते हैं। तो वैसे कोर्स आपको बताएंगे जिसे आप करके, कोर्स कंप्लीट करके आप कोई भी आईटी सेक्टर में या कोई भी सेक्टर में आप इजीली से जॉब पा सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएट हैं और जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। तो उससे पहले, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये बेसिकली वीडियो, यदि आप किसी कारण उस शिक्षा की ओर कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ऐसा कोई कोर्स करना चाहते हैं जिसके आधार पर जल्द नौकरी मिल जाए, तो आज के ज़माने के हिसाब से उपलब्ध कई शॉर्ट टर्म कोर्स उपयोगी होते हैं, तो वो सारे शॉर्ट टर्म कोर्स इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्या क्या कोर्सेस हैं और कहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि आज के डिमांड में जो भी हायर किया जाता है, जिसको उसको मल्टीटास्किंग बनाया जाता है, मीन्स अंदर आपके अंदर यदि मल्टीटास्किंग का कैपेबिलिटी है तो कंपनी आपको रखेगी और ना आपको नहीं रखेगी। तो सबसे पहले जो कि आज की बूम सेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, आईटी सेक्टर है, तो उसमें बात करते हैं। आईटी डिपार्टमेंट में मल्टीटास्किंग आईटी इंजीनियर की डिमांड है। कंपनी भी आजकल ऐसा ही स्टाफ चाहती है जो हार्डवेयर नेटवर्किंग से लेकर सेन नेटवर्किंग, सेन मीन्स होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, एथिकल हैकिंग और चिप लेवल इंजीनियरिंग जैसे सभी तकनीकी पहलुओं को जानते हों, यानी एक ही व्यक्ति डेटा स्टोरेज, डेटा शेयरिंग या फिर डेटा रिकवरी के सारे काम कर सके, तो वह उस व्यक्ति को सबसे पहले हायर किया जाता है। तो वैसे ही आप यदि ग्रेजुएशन या सिंपल ग्रेजुएशन है या बीटेक या एमसीए या बीसीए किए हुए हैं तो ऐसे कोर्स करके आप इजीली मार्केट में जॉब पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में। जो फर्स्ट है वो है हार्डवेयर नेटवर्किंग। नई तकनीकों की वजह से कंप्यूटर, लैपटॉप और उनकी नेटवर्किंग का महत्व आजकल काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में अगर आप आईटी सेक्टर में इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हार्डवेयर नेटवर्किंग एक अच्छा विकल्प है। यह शॉर्ट टर्म कोर्स करने के बाद आप तुरंत जॉब पा सकते हैं, चाहे तो आपकी काम शुरू भी कर सकते हैं। हार्डवेयर नेट इंजीनियर बनने के लिए मुख्य रूप से दो बेसिक कोर्स करने पड़ते हैं, पहला हार्डवेयर का कोर्स और दूसरा बेसिक नेटवर्किंग का कोर्स। ये कोर्स आप 12वीं के बाद कर सकते हैं। कई सरकारी और प्राइवेट संस्थान नेटवर्किंग से जुड़े कोर्स ऑफर कर रहे हैं जहाँ से आप इसे कर सकते हैं। चाहे तो नेटवर्किंग को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल की मदद से भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हार्डवेयर नेटवर्किंग एक अच्छा विकल्प है जॉब पाने के लिए। आप कहीं से भी जाके हार्डवेयर नेटवर्किंग का शॉर्ट टर्म कोर्स, ये 6 महीने का होता है, आप कहीं कोई इंस्टीट्यूट में जाके कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम 12वीं की आवश्यकता होती है। देखते हैं दूसरा कोर्स। दूसरा है दोस्तों चिप लेवल इंजीनियरिंग। चिप लेवल इंजीनियरिंग होता क्या है? चिप लेवल इंजीनियरिंग एक एडवांस कोर्स है। जो पिछला कोर्स के बारे में बात किए थे हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हार्डवेयर नेटवर्किंग में बेसिक जो भी चिप लेवल का जो वर्क होता है, जो भी लैपटॉप का जो भी जैसे मदरबोर्ड का ख़राब हो जाना, या कोई भी मोबाइल है या कोई भी डिवाइस है जिसका बेसिक चीज़ को सही करना है, कोई जिसका सर्किट आनी, जिसकी चिप आनी, इंटीग्रेटेड सर्किट कोर्स के अंदर कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, रिमोट, ऑटोमोबाइल या रोबोटिक जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों के चिप की मरम्मत की जाती है।
मैं जैसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड होते हैं, मोबाइल में सर्किट होते हैं, तो इस चीज़ को सारे सही करने के लिए आपको चिप लेवल का इंजीनियरिंग आना बहुत ही ज़रूरी है। ये भी कोर्स आप 6 से 8 महीने में कंप्लीट कोई भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। यह कोर्स करने के बाद आप जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लाइक HP है जो लैपटॉप बनाती है, IBM है, विप्रो है, जैसे कंपनी में आप टेक्नीशियन के रूप में जॉब पा सकते हैं जहाँ उपकरणों का रिपेयरिंग का काम होता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में असेंबलिंग, चेकिंग या क्वालिटी कंट्रोल, जैसे विंग में सुपरवाइजरिंग या क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के रूप में भी काम कर सकते हैं। देखते हैं थर्ड अपॉर्चुनिटी। उसके बाद है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग होता क्या है दोस्तों, जैसे कि आप कोई भी कंपनी में हैकर होते हैं जो हैकिंग्स को, डेटा को बचाते हैं, जैसे कोई भी हैकर उसके डेटा को चोरी करने की कोशिश करता है तो उसको बचाने के लिए हैकर ही उसको पकड़ सकता है, जैसे चोर चोर को ही पकड़ता है। ऐसे एथिकल हैकिंग करके आप ये 2 से 3 महीने की अवधि में कंप्लीट करके आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी पोजीशन पे, अच्छा पैकेज पे एथिकल हैकिंग कोर्स करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है ग्राफिक डिजाइनिंग। आप क्रिएटिव है, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी अच्छी है तो दुनिया में कुछ नया करना चाहते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग बेहतरीन करियर साबित हो सकता है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें सभी चीज़ों का डिजाइन तैयार किया जाता है। दरअसल ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब किसी मैटर को विजुअल इम्पैक्ट देना होता है जिससे वह दिखने में आकर्षक लगे। ग्राफिक डिजाइनर के लिए वेबसाइट डिजाइनिंग, एडवर्टाइजिंग डिजाइनिंग, पब्लिकेशन, मीडिया, कंप्यूटर गेम तथा प्रोडक्ट पैकेजिंग से जुड़े संस्थानों में सबसे अधिक जॉब के अवसर हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के क्षेत्र में कई तरह के कोर्स मौजूद हैं। 12वीं के बाद आप इसमें 1 साल से लेकर 3 साल तक की अवधि के कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप इसमें बहुत ही अच्छी सक्सेस कर पाएंगे। इसमें बेसिकली डिजाइनिंग होता है, आप कोई भी वेबसाइट का डिजाइन होता है, मल्टीमीडिया का डिजाइन होता है, मीडिया का होता है, एडवर्टीजमेंट का होता है, तो काफ़ी मात्रा में ये शॉर्ट टर्म कोर्स करके आप काफ़ी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद होता है एनिमेशन। एनिमेटेड फिल्में तथा विज्ञापनों का कारोबार भारत सहित पूरे दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहा है। देश में टीवी फिल्मों का दायरा बढ़ने से इसमें एनिमेशन तकनीकी के जानकारों के लिए नौकरी के काफ़ी अवसर बढ़े हैं। ऐसे में यदि आपका बैकग्राउंड ड्राइंग या फाइन आर्ट का है तो एनिमेशन इंडस्ट्री में आप एक बेहतर करियर बना सकते हैं। 12वीं के बाद एनिमेशन कोर्स में एंट्री ले सकते हैं। आप किसी भी अच्छे एनिमेशन ट्रेनिंग संस्थान से अपने आवश्यकता अनुसार लॉन्ग या शॉर्ट टर्म कोर्स करके इसमें अपनी प्रतिभा निखार सकते हैं। तो एनिमेशन दोस्तों एक बहुत ही अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। यदि आपके अंदर आपको आर्ट आता है, आपको ड्राइंग आता है, तभी आप इस करियर में सक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस करियर को चूज ना करें। देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है वीडियो प्रोडक्शन। फिल्मों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एड एजेंसी का नाम काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो प्रोडक्शन और नॉन लीनियर एडिक्शन से संबंधित कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। इसमें छात्रों को स्क्रिप्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, वीडियो एडिटिंग, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन जैसी जानकारी दी जाती है। 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स में दाखिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी डिजिटल इंडिया का ज़माना है तो हर एक चीज़ का वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी या एडवर्टीजमेंट बहुत ही प्रचलित है आज के ज़माने में। तो जिन भी स्टूडेंट को वीडियो कैप्चरिंग करना बहुत ही अच्छा आता है, वीडियो एडिटिंग करना, वीडियो का एनिमेटेड करना बहुत ही अच्छा आता है, तो ये आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं वीडियो प्रोडक्शन का, और इसमें काफ़ी अच्छी सुनहरा अवसर होता है जॉब पाने के लिए और अच्छी पैकेज मिलता है। आप इसको एज ए फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हैं, कुछ अलग काम कर रहे हैं उसमें फ्रीलांस वर्क करके आप
पार्ट टाइम जॉब भी उसमें पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद है फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गारमेंट डिजाइनिंग, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने की अपार गुंजाइश है। फैशन की दुनिया में जाने के लिए 12वीं के बाद फैशन से संबंधित किसी भी पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग संबंधित संस्थानों में यह कोर्स 6 माह से लेकर 1 वर्ष की अवधि के हैं। कुछ संस्थानों में 3 साल का डिग्री कोर्स भी संचालित हो रहा है। कोर्स पूरा करने के बाद आपको सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की गवर्नमेंट कंपनियों, फैशन ब्रांडों, टेक्सटाइल मिलों व फैशन स्थानों में रोजगार मिल सकता है। स्वरोजगार के तौर पर रेडीमेड गारमेंट बुटीक खोलकर भी कमाई की जा सकती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन के अलावा पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी यह कोर्स कराया जाता है। तो फैशन डिजाइनिंग एक बहुत ही अच्छा विकल्प है यदि आप इसमें जाना चाहते हैं तो। दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसके बाद है हेयर स्टाइलिस्ट, जो कि आज के ज़माने में बहुत ही डिमांडेबल होता है। तो यदि आपके इन कोर्स छोटा शॉर्ट टर्म कोर्स करके आप हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि ये ब्यूटीशियन का बेसिकली वर्क है। तो आप इन दिनों महिला पुरुष सभी अपने हेयर स्टाइल के प्रति काफ़ी सजग हो गए हैं। युवाओं में नए नए हेयर कट को लेकर कुछ ज़्यादा ही क्रेज है। यही वजह है कि बाज़ार में हेयर स्टाइलिंग संभावनाओं को देखते हुए कुछ संस्थाओं ने इससे जुड़े कोर्स भी कराने शुरू कर दिए हैं। आप 10वीं या 12वीं के बाद इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यह कोर्स भी 3 से 6 माह की अवधि का है। इसे करने के बाद चाहें आपने लिए किसी भी सैलून पर नौकरी तलाश करें या फिर अपने शहर कस्बे में खुद का सैलून खोल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको कुछ कोर्सेज के बारे में, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में बताया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।